सुशांत सिंह राजपूत ने जितने बड़े बड़े ये बॉलीवुड माफिया के महल के दरवाजे थे, उनकी आत्महत्या ने इनको बहुत बुरी तरह से झिंझोड़ दिया है। और उसके साथ साथ इस देश की जो ऑडियंस है, इस देश की जो जनता है, उसको एक जो है पिंच किया है, बहुत बहुत गहरा एक सदमा लगा है देश की जनता को कि कैसे एक इतना टैलेंटेड लड़का जिसकी मात्र उम्र 33-34 साल और जो अपने शिक्षा के क्षेत्र में इतना सफल होता है, फिर उसके बाद आके बॉलीवुड में विदाउट एनी गॉडफादर और विदाउट एनी कंगना रनावत ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया है, वो अपने दम पर विदाउट एनी हीरो उसने जो है फिल्में सुपर डुपर हिट की हैं, और वो आज अगर स्पेड को स्पेड बोलती है तो उसके जज्बे को सलाम है। और ऐसा जज्बा ये सिर्फ कंगना रनावत की ठेकेदारी नहीं है, और अभी सोनू निगम का भी एक मैसेज वीडियो वायरल हुआ है कि एक और बंदा कर सकता है। तो क्या हम ऐसे ही किसी और बंदे को शहीद होने का इंतज़ार करेंगे? बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म के जो सबसे बड़े जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो तो करण जौहर साहब हैं ही हैं। अभी उनका एक बहुत अच्छा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक टॉक शो में कहते हुए सुनाई देते हैं, मैं अपनी फूफी के बेटे को लॉन्च करूं, अपने चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, मेरी मर्जी। तो ये उन लोगों का एटीट्यूड है। कॉफ़ी विद करण, आपको लगता है वो एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम है? वो पूरा का पूरा चुगली करने का कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम के अंदर ऐसी बेहूदी बातें की जाती हैं कि आप अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते। अभी सुशांत सिंह के जाने के बाद जो पूरे देश में जो एक जो सेंटिमेंट उभर के आया ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पर जो लोगों का गुस्सा है, आलिया भट्ट के 1.5 मिलियन फॉलोअर्स कम हो गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, और आज चर्चा करेंगे हम बॉलीवुड को लेकर कि किस तरीके से बॉलीवुड में नेपोटिज्म को सराहा जाता है। अभी आपने हाल ही में देखा कि सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर ली, तो उसी को लेकर नए नए तरीके के तकाजे लगाए जा रहे हैं कि इस वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी आत्महत्या की इस तरीके से। और आज आपने भी देखा कि कंगना रनौत ने उसको लेकर वीडियो एक पोस्ट किया, और रिया चक्रवर्ती से भी जो गर्लफ्रेंड रह चुकी है सुशांत सिंह राजपूत की, तो उससे भी पुलिस ने पूछताछ की। तो इसी पर हम बात करेंगे राजनीतिक विशेषज्ञ वेद शर्मा से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। सर, मैं आपसे आज ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे रिया चक्रवर्ती से इतने घंटों तक पूछताछ की पुलिस ने, तो उसमें एक और नया खुलासा हुआ कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की जो फोटोज वायरल हो रही हैं, तो इसके पीछे क्या नजर आता है आपको? देखिए, अब जाँच इस विषय पर होगी, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई है तो ये जाँच का विषय है, तो देखते हैं इसमें जाँच में क्या निकल के आएगा। परंतु अगर इस पे अभी कमेंट करना शुरू कर दिया तो फिर इस देश में फेमिनिज्म के झंडेदार जो लोग हैं वो आके अपना जो है आंदोलन करना शुरू कर देंगे, और जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं ये विषय कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगा जी। तो ये एक जांच का विषय है, लेट द यू नो द फेयर प्रोब हैपन, और उसके बाद इस देश की जनता को पता लगना चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से पहले भी इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी आत्महत्याएँ हुई हैं। ज़िया खान एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, परंतु वो मुद्दा कहीं ऐसा खो गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। परंतु सुशांत सिंह राजपूत ने जितने बड़े बड़े ये बॉलीवुड माफिया के महल के दरवाजे थे, उनकी आत्महत्या ने इनको बहुत बुरी तरह से झिंझोड़ दिया है। और उसके साथ साथ इस देश की जो ऑडियंस है, इस देश की जो जनता है, उसको एक जो है पिंच किया है, बहुत बहुत गहरा एक सदमा लगा है देश की जनता को कि कैसे एक इतना टैलेंटेड लड़का जिसकी मात्र उम्र 33-34 साल और जो अपने शिक्षा के क्षेत्र में इतना सफल होता है, फिर उसके बाद आके बॉलीवुड में विदाउट एनी गॉडफादर और विदाउट एनी फिल्म फ्रेटर्निटी की फैमिली होने के बावजूद वो अपने टैलेंट के बल पे सफल होता है, पर वो सस्टेन क्यों नहीं कर पाता? तो आप सोचिए कि जो उस इंडस्ट्री के अंदर का टेम्परेचर है, जो टेम्परामेंट है, वो कितना विशियस है, कितना ख़तरनाक है। तो इसको ना हमें थोड़ा सा एक एनालिसिस करना पड़ेगा, एक डेटाबेस के हिसाब से समझना पड़ेगा कि क्या कहीं ना कहीं एक इग्नोरेंस में इन सब चीज़ों के जिम्मेवार कुछ हद तक हम भी तो नहीं हैं। तो इसका जो एक मैं आपको डिफ्रेंशिएशन बताता हूँ कि बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म के जो सबसे बड़े
जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो तो करण जौहर साहब हैं ही हैं। अभी उनका एक बहुत अच्छा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक टॉक शो में कहते हुए सुनाई देते हैं, मैं अपनी फूफी के बेटे को लॉन्च करूं, अपने चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, मेरी मर्जी। तो ये उन लोगों का एटीट्यूड है। तो जब किसी भी प्रोड्यूसर, देखिए प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर एक फिल्म में पैसा लगाता है और वो उसकी इन्वेस्टमेंट है, ये प्योरली एक बिजनेस है। जब एक बड़ा कॉमन डायलॉग है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लाइकवाइज एवरीथिंग इज फेयर इन बिजनेस एज वेल, ये कम्प्लीटली बिजनेस माइंडसेट है। इसमें कोई इमोशंस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो एक प्रोड्यूसर जब ये देखता है कि विदाउट एनी गुड स्टोरी, विदाउट एनी गुड एक्टिंग, सिर्फ एक आइटम नंबर और एक स्टार किड के बेसिस पे एक प्रोपोगेंडा चला के, एक कोई भी कंट्रोवर्सी पैदा करके, एक अच्छी मार्केटिंग करके 100 करोड़ 50 करोड़ इन्वेस्ट करके अगर मैं 150-200 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ तो मैं किसी अच्छे एक्टर के ऊपर क्यों खर्चा करूँगा। देखिए ये एक बेसिक डिफरेंशिएशन है। आप अगर अच्छी फिल्में उठाएँ, ठीक है, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। स्टूडेंट ऑफ द ईयर करके एक फिल्म है, उसकी सीरीज़ आई है, उसके सीरीज़ ने दोनों फिल्मों ने मिलाकर लगभग 250-300 करोड़ का बिजनेस किया है। परंतु इसी देश में मसान जैसी बेहतरीन फिल्म आई है जो मुश्किल से 5-6 करोड़ का बिजनेस करती है, बागी 1-2-3, है ना। बागी के नाम पे सीरीज़ आई, उसने भी 300-400 करोड़ का बिजनेस किया तीनों फिल्मों ने मिलाकर। एक फिल्म आई तुम्बाड़ करके, एक जो है हॉरर फिल्म आई है जिसको बनाने में लगभग 12 साल लगे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इतनी बेहतरीन फिल्म ने मुश्किल से 12-13 करोड़ का बिजनेस किया है। सिर्फ यही नहीं, एक वॉर करके फिल्म आई, अभी रिसेंटली फिल्म आई, उसने भी बहुत अच्छा खासा जो है बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। परंतु उड़ान जैसी फिल्में सिर्फ 3.5 करोड़ का बिजनेस करती हैं, कामयाब जैसी फिल्में 2.5 करोड़ का बिजनेस करती हैं, सोन चिड़िया जैसी फिल्में 5-6 करोड़ का बिजनेस करती हैं। और अब तो एक नया प्लेटफॉर्म शुरू हो गया है, OTT प्लेटफॉर्म्स, और उसके ऊपर भी कमोबेश यही स्थिति है। जब सुनील मिश्रा की एक फिल्म आई और कामयाब करके उनकी एक फिल्म आई, वो फिल्म चली ही नहीं। परंतु एक स्टार किड की फिल्म आई लव आजकल 2, उसके पीछे ऐसे दुनिया टूट के पड़ी जैसे पता नहीं क्या दिखा दिया हो, क्या आश्चर्यजनक चीज़ दिखा दी गई हो। तो कहीं ना कहीं क्या हम जिम्मेवार नहीं हैं? एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए जो छोटे बजट की फिल्में होती हैं उसमें जो फिल्म बनाने वाला होता है वो स्टोरी पे इन्वेस्ट करता है, वो उसके पूरे के पूरे फिल्म के मेकिंग के कंसेप्ट के ऊपर करता है, अपने एक्टर्स के ऊपर करता है। आप KK मेनन को उठा लीजिए, तमाम ऐसे उदाहरण है, इरफान खान जो अभी रिसेंटली हमारे बीच में गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तमाम ऐसे स्टार्स हैं जो किसी भी रोल में जान डाल देते हैं। आपको देख के लगता है कि ये अद्भुत है, ये अकल्पनीय है। परंतु स्टार किड्स की फिल्म में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रोवर्सी, अच्छी मार्केटिंग और प्रोड्यूसर ने 150-200 करोड़ रुपए कमा लिए। सर, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की थी उन्होंने, तो उस टाइम पे कंगना ने एक वीडियो वायरल किया था और आज फिर से कंगना ने एक और वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से मीडिया भी जिम्मेदार है उन्हें डिप्रेशन में पहुंचाने के लिए, कि किस तरीके से उनके ऊपर न्यूज़ बनाई गई और तमाम तरीके की उल्टी सीधी चीज़ें छापी गई उनको लेकर। देखिए ये पूरे के पूरे प्रोपोगेंडा इकोसिस्टम का हिस्सा है। जब इस देश का मीडिया इतना जिम्मेवार है कि प्राइम टाइम की खबरों में तैमूर के जो है पैम्पर्स और उसके हगीस के बारे में डिस्कशन होती है, तो आप समझ जाइए इस देश का मीडिया किस तरफ जा रहा है। जो कंगना रनौत ने कहा वो कहने के लिए आपके अंदर गट्स चाहिए। आप उसी इंडस्ट्री में, उसी इकोसिस्टम में बैठकर उस इकोसिस्टम को रन करने वाले, अपने आप को एक आधिपत्य जमाए हुए लोगों को चैलेंज करने का एक आपके अंदर गट्स चाहिए। या तो आपके पीछे इतना सारा टास्क फोर्स हो, या आपके अंदर कोई एक यूनिक क्वालिटी हो। तो कंगना रनौत ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया है, वो अपने दम पर विदाउट एनी हीरो उसने जो है फिल्में सुपर डुपर हिट की हैं, और वो आज अगर स्पेड को स्पेड बोलती है तो उसके जज्बे को सलाम है। और ऐसा जज्बा ये सिर्फ कंगना रनौत की ठेकेदारी नहीं है, और अभी सोनू निगम का भी एक मैसेज वीडियो वायरल हुआ है कि एक और बंदा कर सकता है। तो क्या हम ऐसे ही किसी और बंदे को शहीद होने का इंतज़ार करेंगे? कब तक हम करेंगे? देखिए इस देश की आत्मा आज सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद जागी है। परंतु विवेक ओबेरॉय एक एग्जाम्पल हैं। शुक्र है कि
वो डिप्रेशन में नहीं गए, उन्होंने आत्महत्या नहीं करी, तो क्या हमें जागने के लिए हमें कितने कितने ऐसे उभरते हुए प्रतिभाओं की हमें बलि देनी पड़ेगी तब जाके जो है हम लोग जागेंगे? तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैं अभी पिछली वीडियोस में भी यही चर्चा कर रहा था कि ये एक इकोसिस्टम बन गया है, जो अपने आप को बॉलीवुड का रहनुमा समझते हैं वो सोचते हैं कि हम एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी परोसेंगे तो चलेगा, कुछ भी परोसेंगे तो चलेगा। उनको आपकी संस्कृति से कोई रास्ता नहीं है, आपके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट्स हों उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमको जो है एक एंगल देना है, एक डिफरेंट एंगल देना है। अब जब तक हम उसको इग्नोर कर रहे हैं तब तक वो हमें एब्जॉर्ब करने के लिए दिया जाता है, दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। परंतु आज जो एक एक मोमेंट शुरू हुआ है, हमें अपने आप को बॉलीवुड का रहनुमा समझने वाले लोगों को एक आईना दिखाने की ज़रूरत है कि आप एंटरटेनमेंट के नाम पर एजेंडा नहीं चलाएंगे। जो चीज़ जैसी है आप उसको दिखाइए, तभी ये चीज़ें चल सकती हैं। परंतु जो अभी तक हमारे देश में चल रहा है ये बहुत ही दुखद है। लोग कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, उसके बाद एक मार्केटिंग प्लान बनाते हैं और स्टार किड्स को प्रमोट करते हैं। देखिए, स्टार किड्स होना और स्टार किड्स के फिल्मों में आने से किसी को आपत्ति नहीं है, क्योंकि इस देश में पिछले 70 सालों से राजनीतिक में भी स्टार किड्स ही आ रहे हैं और एंटरटेनमेंट में भी स्टार किड्स ही आ रहे हैं। हो सकता है किसी के अंदर टैलेंट हो। आज मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन बताता हूँ। आज आप YouTube उठा के देखिए, YouTube के अंदर आपको एक से एक कंटेंट क्रिएटर मिलेंगे, है ना। हर्ष बेनीवाल आप उठाइए, कितने सारे यूट्यूबर हैं, यंग टैलेंट है, जिन्होंने रातों रात अपने आप को प्रूव किया है। आज फिल्म फ्रेटर्निटी की मजबूरी है कि उन YouTube के कंटेंट क्रिएटर्स को आज फिल्मों में लिया जा रहा है, बिकॉज दे आर क्राउड पुलर्स। फॉरगेट अबाउट क्राउड पुलिंग, आप उनका टैलेंट देखिए, उनके पीछे कौन सी डायरेक्शन फैसिलिटी है, उनके पीछे कौन सी प्रोड्यूसिंग फैसिलिटी है, या उनके पीछे कौन सा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो क्या कर रहे हैं। आप बीबी के वाइंस भुवन बाम को देख लीजिए, उन्होंने एक फ़ोन के ऊपर शुरू किया था और आज वो मिलियंस के हिट में हैं। और आज किसी फिल्म स्टार को अपनी फिल्म प्रोड्यूस करनी होती है, फिल्म का जो प्रमोशन करना होता है, तो वो उनके साथ कोलैब करते हैं। तो रियल टैलेंट ये है। अब हम बात करते हैं नेपोटिज्म की। मैं आपको 9 से 10 नाम गिनवाऊंगा और आपको पता लग जाएगा कि इस देश में नेपोटिज्म की जड़ें कितनी गहरी हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। मिमो चक्रवर्ती 2009 में आते हैं वो इस इंडस्ट्री के अंदर। एक फिल्म आई थी जिमी, और वो कब आई कब चली गई पता ही नहीं चला। उसके बाद एक फिल्म आई हॉन्टेड 2-3 साल बाद, वो भी फ्लॉप हो गए। अभी भी 7-8 फ्लॉप फिल्में करने के बाद सुनने में आ रहा है कि उनको एक और फिल्म मिलने वाली है। आयरनी देखिए आप, स्टूडेंट ऑफ द ईयर को बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिल जाता है फिल्म फेयर का, ठीक है, और जी सिने अवार्ड मिल जाता है, तमाम अवार्ड मिल जाते हैं, परंतु उसी वक्त सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे आती है, उसको कोई अवार्ड नहीं मिलता। अच्छा, और धोनी इतनी ज़बरदस्त, अगर आप धोनी फिल्म को एक बार देखें, दो बार देखें, मुझे लगता है कि धोनी का जो रोल सुशांत सिंह राजपूत ने निभाया है, धोनी भी देख के कई बार शायद कंफ्यूज हो जाते होंगे कि वेदर इट वाज मी और सुशांत। तो इतनी हूबहू जो उन्होंने मिरर इमेजिंग की है, एक अवार्ड नहीं मिलता। आयरनी देखिए, अवार्ड किसको मिलता है, किसको मिलते हैं, जुड़वा 2 जैसी फिल्में 100 करोड़ का बिजनेस कर जाती है। अरे भाई, जुड़वा 2 में क्या था? तो क्या हम इस चीज़ के जिम्मेवार नहीं हैं कि हम इन चीज़ों को, इस बिजनेस को प्रमोट करने के पीछे क्या हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है? अब मिमो चक्रवर्ती छोड़िए, सोनाक्षी सिन्हा ने फ्लॉप गिनती की 10 फ्लॉप फिल्में दी हैं, शायद एक दबंग उनकी, वो भी सलमान खान की वजह से हिट हुई है, क्योंकि इस देश में जो है एक सलमान खान का ऑरा चलता है कि भाई की फिल्म है तो देखनी है, और भाई की फिल्म 300 करोड़ का बिजनेस कर जाती है, चाहे उसके अंदर क्रिंज हो, चाहे उसके अंदर कंटेंट कुछ भी ना हो, चाहे उसके अंदर स्टोरी लाइन कुछ भी ना हो, परंतु वो फिल्म चलेगी, क्यों, सलमान खान है। उसके बाद टाइगर श्रॉफ ठीक है, उनका मार्शल आर्ट बहुत अच्छा है, उनका डांस बहुत अच्छा है, परंतु एक्टिंग के मामले में वो बिलो एवरेज ही पाए जाते हैं। अर्जुन कपूर का मैंने एक इंटरव्यू देखा, अर्जुन कपूर बोलते हैं कि इस इंडस्ट्री में आप किसी के बेटे होने की वजह से आ तो सकते हैं, परंतु आप वहाँ स्टे नहीं कर सकते।
देशवासी जानना चाहते हैं, द नेशन वॉन्ट्स टू नो, अर्जुन कपूर आपकी एक अच्छी फिल्में बताएं कि जिसकी वजह से देश आपको झेले। जब से वो इंडस्ट्री में आए हैं बैक एंड फोर्थ कम से कम 9 से 10 फ्लॉप फिल्में दे चुके हैं, उसके बाद भी इस देश को उनका क्रिंज, उनकी क्रिंज एक्टिंग जो है उनको हमें देखनी और झेलनी पड़ती है। उसके बाद तुषार कपूर की आयरनी आप देखिए, मुझे कुछ कहना है करके एक फिल्म आई थी और उसको क्या मिला है, फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, और उसी टाइम पे आर माधवन की एक मूवी आई थी जिसको रिकग्निशन भी नहीं मिला, इतनी ज़बरदस्त फिल्म। तो क्या है कि भाई अगर किसी का बाप या किसी की बहन स्टार है, डायरेक्टर है, इन्फ्लुएंसर है, तो उनको आप अवार्ड देंगे। आप आयरनी सुनिए, सोनम कपूर की मुझे अभी तक कोई एक सुपरहिट फिल्म याद नहीं है, एक्टिंग बिलो एवरेज, उसके बाद भी क्यों, क्योंकि वो एक स्टार परिवार से, उनके नाम के पीछे कपूर लिखा है, जैसे राहुल गांधी के पीछे गांधी टंगा है तो हमें उन्हें झेलना है, वैसे ही सोनम कपूर के पीछे कपूर टंगा है तो हमें झेलना है। अभी सूरज पंचोली और आत्या शेट्टी स्टार किड्स हैं। आपको पता है सूरज पंचोली को बेस्ट डेब्यू जूरी अवार्ड करके मिला, एक अवार्ड ही बना दिया कि भैया स्टार का बेटा है तो उसको अवार्ड देना है। और सुशांत सिंह राजपूत, नो, he would not be invited for any Bollywood parties because वो छोटे शहरों से है, उसका मतलब कोई ऐसा फैंसी बैकग्राउंड नहीं है, वो आपके क्लास का नहीं है। तो अगर आप इस लेवल का रेसिज्म आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर रखते हैं और आप प्रोग्राम क्या बनाते हैं, कॉफ़ी विद करण, आपको लगता है वो एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम है, वो पूरा का पूरा चुगली करने का कार्यक्रम है। और उस कार्यक्रम के अंदर ऐसी बेहूदी बातें की जाती हैं कि आप अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो अगर एंटरटेनमेंट के नाम पे यही गंद परोसना है तो इसको रोकने की जिम्मेवारी किसकी है, इसको रोकने की जिम्मेवारी हमारी और आपकी है। तो धन्यवाद सुशांत सिंह राजपूत का कि कम से कम अब जाके इस देश की आत्मा जाग रही है। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, वो जा चुके हैं, पर इसके बावजूद भी आप लोगों को ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इसके बाद जैसा सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ ऐसा किसी और एक्टर के साथ ना हो? देखिए, इसमें जो जिम्मेवारी है ना, ये इस देश की ऑडियंस को भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। मैं अभी आपको जैसे फिल्मों का बता रहा था कि स्टार किड्स की फिल्म है तो 100-200 करोड़ कमाती है, और लो बजट या किसी लेस नोन एक्टर या डायरेक्टर के फिल्म है तो 3-4 करोड़ में वो दम खा के तोड़ देती हैं। तो वो बेचारा वो कैसे अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाएगा कि मैं दूसरी फिल्म बनाऊं? तो टैलेंट ऐसे ही बॉलीवुड के जो चौखट पे जाके दम तोड़ रहा है, और उसको बचाना होगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट के नाम पर आप जो ये एक पूरा का पूरा एक कार्टल चला रहे हैं, अब ये नहीं चलने वाला है। क्योंकि अभी सुशांत सिंह के जाने के बाद जो पूरे देश में जो एक जो सेंटिमेंट उभर के आया ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पर जो लोगों का गुस्सा है, आलिया भट्ट के 1.5 मिलियन फॉलोअर्स कम हो गए हैं। आप देखिए शाहरुख खान की बेटी के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर, और आप के मेनन के फॉलोअर उठा के देख लीजिए। अभी शाहरुख खान की बेटी नहीं आई है इंडस्ट्री में, देखिए हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु देश किधर जा रहा है और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एंटरटेनमेंट के नाम पे आप कुछ भी परोसे जा रहे हैं ना, ये सब उसका एक मैकेनिज्म का, ये जो एग्जीक्यूशन है ये सब कुछ वो है। तो हमें इस चीज़ की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि सुशांत सिंह की तरह, देखिए बहुत अच्छा है आज लोग अपने अपने फेसबुक पे लिख रहे हैं कि अगर कोई डिप्रेस है तो मेरा नंबर ये है, मुझसे बात करें, मेरा DM खाली। देखिए इस हिपोक्रेसी की कोई ज़रूरत नहीं है। जब किसी को आपकी ज़रूरत है उस टाइम आप उसको इग्नोर करते हैं, आप उसको ब्लॉक करते हैं, आप उससे बात नहीं करते, आप उसको जो है डिमीन करते हैं, आप उसको विभिन्न चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप उसको इतना ज़्यादा तोड़ देते हैं कि वो बंदा जो है मानसिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर वो उभर ही नहीं पाता, इररिस्पेक्टिव कि उसके अंदर कितना टैलेंट है। और फिर उसके बाद जब वो इस दुनिया से चला जाता है, फिर आप आके फैंसी जो है कंडोलेंसेज लिखते हैं और ये लिखते हैं कि मुझे दुख है। ये वही स्टार किड्स हैं, जब सुशांत सिंह के बारे में पूछा जाता था तो बोलते थे हु सुशांत सिंह। तो ये इन लोगों के दोहरे चरित्र हैं, और देश ने जो है इस चीज़ को देख लिया है, समझ लिया है, और इनके खिलाफ देश की जनता में, देश की ऑडियंस में बहुत रोष है, और अब ये इस हिसाब से नहीं चलने वाला। धन्यवाद सर।